स्टार्ट करें। जैसे कि आपको मालूम है हमारी जो अरबी जुबान कुरान पाक की जुबान है, अगर कुरान पाक आप तो इस तरह के टोन लगी होती हैं कि मुख्तलिफ जबर से पेश कर देते हैं सबके ऊपर, मतलब अलिफ बे पे ये एक मुख्तलिफ अलग अलग करेक्टर्स हैं उनको हम टोन लगाते हैं, उनको जबर से पेश लगाते हैं तो मिलकर एक अल्फाज बन जाता है। तो कैसे इनिशियल्स चाइनीज को पढ़ने के लिए पहले इनिशियल पढ़ेंगे, फाइनल इनिशियल जो होते हैं वो 21 होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी अलग अलग एक एक इनिशियल है जो मेन मेन इनिशियल है वो लिखे गए 21 इनिशियल जो है। ये चार इनिशियल वैसे तो 21 इनिशियल होते हैं, अभी एक दफा ट्राई करने के लिए चार इनिशियल लिखे हैं। ये बी है तो इसको हम पे की आवाज बोलते हैं, पे की। और ये पी है तो इसे दो आंखों वाला पे नहीं होता, पे उसकी आवाज बोलते हैं। और ये एम जो है उसे मो की आवाज बोलेंगे, मां। और एफ जो है उसको तो ये बी है पा पी है हा इसके साथ अलिफ लिख लगा, ये फिर पा और इसके साथ अलिफ पा के साथ पा इकट्ठा लिखो पा। और उसके बाद है ये पहले वाले जो पढ़ेंगे वो पॉप पॉप वाप वाप, ये डी डी को पढ़ेंगे ते के बाद देंगे ते त थ, और टी को था के बाद था जो सा दो आंखों वाले था होता है। डी को पढ़ेंगे त और टी को पढ़ेंगे थ त थ, और एन को जो है ना के बाद देंगे ना ना, और एल को ल अब इसको सबको एक साथ पढ़ेंगे तो ये बनेगा पॉ पॉ मॉ पॉ त थ न ल, ये हम पढ़ रहे हैं इनिशियल्स करेंगे। तो उसके बाद एक प्रीमियम इनिशियल और फाइनल को मिलाकर प्रीमियम बन जाएगा, प्रीमियम को प्रीमियम के ऊपर टोन लगाएंगे तो वो एक करैक्टर बन जाएगा, मुख्तलिफ करैक्टर्स को आपस में मिलाकर पढ़ेंगे तो वो एक चाइनीज जुबान का लफ्ज बन जाएगा, जैसे कि निशी नागोलन ताश के निशी शुएशन ताशी शुएशन वोशी मैं गोलन, ऐसे मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ करैक्टर बन जाएगा।
काफ के बाद है, काफ और काफ के बाद से, और के जो है वो था ख के बाद से, और एच जो है ख के बाद से, ख आ और ख के दोनों के बाद है, और जेड वो है शीट के बाद से, जेड देगा सिर के बाद से, के बाद से, और सी जो है वो ते सीन वो फोन ए को मिला कर पढ़ना पड़ेगा, तिस 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 है दूसरी तिस दूसरे को, और एस जो है वो सीन के बाद देगा, अभी इसको मिला कर पढ़ेंगे तो पॉप पॉप मॉप त त त न ल त ख ख स ये, और अभी जे है और क्यू, उसके बाद एक्स के बाद है जेड एच, जेड एच के बाद सी एच और एस एच, और लास्ट में आर, इसको क्यूब जे को पढ़ेंगे शी, क्यूब को पढ़ेंगे शी, एक्स को पढ़ेंगे शिड, एक्स को पढ़ेंगे शी, जेड एक्स को पढ़ेंगे चिड, सी एच को बने शीर, एस एच को बने शीर, यानी आर रे रे की आवाज दे रहे हैं, आर शीर, एस एच को शीर, और आर को पढ़ेंगे रूम, पॉ पॉ मॉ पॉ त त न ल क ख ख ज स स, जे को पढ़ेंगे शी शी, और क्यू को पढ़ेंगे शी, एस एच ई वाला वो शी हो गया शी, और एक्स को पढ़ेंगे शी, जे को पढ़ेंगे ची और क्यू को ची, और एक्स को पढ़ेंगे शी, जेड एक चिर, जब हम दरवाजा से बोलते तो ऐसे से आवाज है आवाज आती है चिर, तो वो चिर, और सी एच चिर, और एस एच को पढ़ेंगे शिर, और आर को पढ़ेंगे रिर, ये हमारे इनिशियल्स हैं जो कि 21 हैं, इन इनिशियल्स को अगर हम तवज्जा से पढ़ेंगे और मतलब इन पे फोकस करेंगे, ये बेस है, इसी बेस के मुताबिक जो चाइनीज पढ़ेंगे इसके बाद करेंगे तो आसानी होगी ये पढ़ेंगे। और वो कल बस बस के लिए